अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। हम डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग के मुतालिक डिस्कस कर रहे थे, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, सिविल 143, चैप्टर नंबर 1, सिविल ड्राफ्टिंग। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में प्रैक्टिकल्स के हवाले से। तो आपका जो चैप्टर फर्स्ट है, फर्स्ट चैप्टर, इसमें जो प्रैक्टिकल है, पहला प्रैक्टिकल है कि दस्ती ड्राइंग में मंदजा ज़ैल लाइनें लगाने की मशक करें। ठीक है, नंबर एक उफकी लाइनें यानी हॉरिजॉन्टल लाइनें, ठीक है, उफकी लाइन। नंबर दो अमूदी लाइन लाइनें लगानी है, और नंबर तीन तिरछी लाइनें, और नंबर चार गुलाईदार लाइनें यानी सर्कुलर लाइंस, इंक्लाइंड लाइंस, वर्टिकल लाइंस। प्रोसीजर है, तरीका का, दस्ती ड्राइंग करने के लिए मंदरजा ज़ैल तरीका अकार अख्तियार किए करें तो आपने किया जाता है। नंबर एक, ड्राइंग शीट को ड्राइंग टेबल पर चिस्पा किया। नंबर दो, ड्राइंग शीट पर हाशिया यानी बॉर्डर्स लगाए। नंबर तीन, ड्राइंग शीट पर टाइटल स्ट्रिप बनाई। ये टाइटल स्ट्रिप क्या होती है, ये यहाँ पर वैसे बनी नहीं हुई, ठीक है। टाइटल स्ट्रिप होती है जिसके ऊपर आप कोई अपना मतलब प्रोजेक्ट का नेम लिखते हैं, ड्राइंग शीट का नाम लिखते हैं, शीट नंबर लिखते हैं, डेट लिखते हैं, एटसेट्रा, ठीक है। ड्राइंग शीट के वर्किंग एरिया को चार बराबर हिस्सों में तकसीम करें। मिसाल के तौर पर ये एक ड्राइंग शीट जो आपके सामने शो हो रही है, ठीक है, ये चार हिस्से हुए हैं, एक दो तीन और चार। इसके नीचे एक पट्टी होगी जिस पर आप नाम वगैरह, ठीक है, लेबल वगैरह लिखेंगे, उसको बोलेंगे हम टाइटल स्ट्रिप्स। और ये जो एरिया होगा जिसमें ये चार खाने बनाए हैं, इनको बोलेंगे वर्किंग शीट या वर्किंग एरिया। अब इसके हम चार बराबर हिस्से करेंगे, और पहले हिस्से में हम यहाँ पर लिखा क्या हुआ है आगे पढ़ते हैं। पहले हिस्से में उफकी लाइनें तकरीबन 1 सेंटीमीटर के फासले पर मतवाजी लगाएं, यानी 1 सेंटीमीटर के फासले पर, और वो भी अंदाजन, आपने स्केल यूज़ नहीं करना, ये दस्ती हैंड स्केचिंग है, ठीक है। उसके बाद दूसरे हिस्से में अमूदी लाइनें, वो भी तकरीबन 1 सेंटीमीटर के फासले पर मतवाजी लगाएं। मतवाजी कहते हैं एक लाइन के बाद 1 सेंटीमीटर के फासले पर बिल्कुल उसके पैरेलल दूसरी लाइन, ठीक है, मतवाजी पैरेलल। नंबर तीन जो साथ पे आ गए, तीसरे हिस्से में 1 सेंटीमीटर के फासले पर तिरछी लाइनें लगाएं, ये तिरछी लाइंस हैं, ठीक है, इधर से भी तिरछी हैं तो ये लाइंस हैं, इस तरफ से देखेंगे तिरछी लाइंस हैं तो ये बन जाएंगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप इस तरह से ना ट्राइंगल बनाएं तो आप सिर्फ तिरछी लाइंस ही लगा दें, ठीक है। और उसके बाद आपने ये लगानी है चौथे हिस्से में 1 सेंटीमीटर के फासले पर गुलाई में लाइनें लगाते हुए दायरा मुकम्मल करना है, ठीक है। मतलब आपने सर्कल बनाते हुए, सर्कल के ऊपर सर्कल, 1-1 सेंटीमीटर के फासले पर अप्रोक्सीमेटली। नंबर दो, प्रैक्टिकल नंबर टू, दस्ती ड्राइंग में मंदरजा ज़ैल अशकाल बनाएं। अब आपने दस्ती ड्राइंग से ही बनानी है। नंबर एक, 6 सेंटीमीटर रदास यानी रेडियस की कोस लगानी है, और दूसरी आपने 8 सेंटीमीटर के कुतर यानी डाए के मुताबिक आपने सर्कल बनाना है, ठीक है, और दस्ती हैंड से बनाना है। तो तरीका कार है कि ड्राइंग शीट पर मुनासिब जगह पर OX और OY यानी सेंटर से X एक्सिस और सेंटर से Y एक्सिस, दो लाइनें एक दूसरे के अमूदन लगाएं। इस तरह से ये एक पॉइंट लिया, इसको हमने ओरिजिन बोल दिया, और ये X है और ये Y है, तो दो लाइनें आपने लगानी हैं। उसके बाद इन दोनों लाइनों पर 6 सेंटीमीटर के फासले पर नकात A और B किता करें, ठीक है। इस पर आपने A और B यानी कि दोनों फासलों पर आपने ये मतलब लाइंस लगानी हैं। और उसके बाद क्या करना है जी, आपने इसके बाद AC और BC लाइनें जो हैं वो पहली लाइन के मतवाजी लगाकर मुरब्बा मुकम्मल करें, यानी पहले एक मुरब्बा बना लेना है। आखिर पर हम ओ ए रदास की कोस नुक्ता सी को
मरकज मानकर बगैर पुरकार के लगाएंगे। मतलब कि आपने ये पॉइंट लेने हैं, आपने यहाँ पर छः हिस्से करने हैं, इसके छः हिस्से इसके कर लें, छः पे इसको मिलाएं और इसको भी मिलाएं, और इस तरह आपने जितना फासला इधर आए बिल्कुल सीधी लाइनें लगानी हैं। जब यह डब्बा मुकम्मल हो जाए तो सी पॉइंट पर आपने इधर से मतलब आपने कोस लगा देनी है, जो कि आपकी 6 सेंटीमीटर के रेडियस की कोस होगी। ठीक है, यानी अगर आप 6x6 का, और ये भी आपने 6 सेंटीमीटर फुट्टे से नहीं लगाना, स्केल का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि फ्री हैंड स्केचिंग है। ठीक है, और ये कोस भी आपने यहाँ पर, चाहे आप जो है वो स्मॉल फिंगर रखें और फिर इस पॉइंट पर आपने पेंसिल की नोक रखनी है इस पॉइंट से, और फिंगर को रखते हुए आपने बिल्कुल सीधा रखते हुए आपने ऐसे इधर से आपने मतलब कर्व लेके जानी है और ये गुलाई बनानी है। ठीक है, ये आपने आर्क बनानी, इसी तरह से ये दूसरी भी आपकी जो है ना 8 सेंटीमीटर की लंबाई में जो आपने सर्कल बनाना है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर की लंबाई की एक उफकी लाइन आपने लगा लेनी है पहले, इस तरह से एक 8 सेंटीमीटर की, और इसके सेंटर से बिल्कुल आपने 8 सेंटीमीटर की वर्टिकल लाइन भी लगा लेनी है। दो लाइनें लगाने के बाद अब फिर यहाँ पर आपने चार हिस्से करने हैं ना, इधर से भी चार, आप 8 सेंटीमीटर की लाइन लगा रहे हैं उफकी, फिर इसके नीचे से गुजरती हुई अमूदी लाइन लगानी है बिल्कुल 8 सेंटीमीटर की। अब आपने उफकी लाइन के ऊपर और नीचे 4 सेंटीमीटर किता करना है। ठीक है, उफकी से लाइन के ऊपर और नीचे, यहाँ से आपने मतलब 4 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर, इधर से भी 4 सेंटीमीटर, इधर से भी 4 सेंटीमीटर, और उसके बाद फिर आपने मज़ीद आगे बढ़ते हैं उफकी लाइन के ऊपर और नीचे, ये हो गया मरकज से गुजरती हुई मज़ीद लाइनें लगानी हैं। ठीक है, इनकी लंबाइयाँ पहले से लगाई गई लाइनों के बराबर किता करें। ठीक है, आखिर पर किता किए गए निकात को मिलाकर दायरा मुकम्मल कर लें। यानी अब आपने इसी तरह से जैसे एक लिए लगाई है, किस तरह से लगा दिया, अब तिरछी भी एक लगा देनी है, और इसी तरह से तिरछी लगा देनी है। ठीक है, और उसके बाद जैसे भी चार सेंटीमीटर के हिसाब से निशान लगाने हैं, और फिर आपने इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। इस तरह से देखें, जब आप मिलाते जाएंगे तो ये आपका पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सर्कल, तो ये एक सर्कल बनाने का तरीका कार है। ठीक है, जो अगर आप फ्री हैंड स्केचिंग में बनाएंगे तो सही हो गया। अब प्रैक्टिकल नंबर 3 आपको आता है कि दस्ती ड्राइंग में मदज्जा ज़ैल अशकाल बनाएं। 8 सेंटीमीटर के कुतर का यानी डाए का आपने आइसोमेट्रिक दायरा बनाना है। ठीक है, आइसोमेट्रिक, ये आपका आइसोमेट्रिक भी होता है जो 45 मतलब 3D की शक्ल में नज़र आ रहा होता है, और 8 सेंटीमीटर बड़े कुतर और 6 सेंटीमीटर छोटे कुतर वाला एलिप्स यानी बेजा भी बनाना है। तो ये तरीकाकार पढ़ें पहले। आइसोमेट्रिक के असूलों के मुताबिक उफकी लाइन के साथ तकरीबन 30 दर्जा के जाविये पर दो लाइनें लगाएं, यानी इधर से भी 30 सेंटीमीटर यानी कि डिग्री जाविये पे एक लाइन लगानी है आपने ऐसे तिरछी, और उस तरफ भी आपने 30 सेंटीमीटर के एंगल पे लगानी है, और इनकी लंबाइयाँ दायरे के कुतर के बराबर 8 सेंटीमीटर किता करें। इन लाइनों के मतवाजी दो मज़ीद लाइनें लगाकर मोइन मुकम्मल करें। तमाम लाइनों के निस पर निशान लगाएँ। ठीक है, दो मुतसिल लाइनों के मरकज़ को सामने वाले कोने यानी कॉर्नर से मिला दें, आगे भी देखते हैं ना इसको, और फिर दोनों लाइनों के मुतकाबला लाइनों को भी इस तरह सामने वाले कोने यानी कॉर्नर से मिला दें। ठीक है, दो मतलब इस तरह से बनेगी, नीचे वाले के ऊपर वाली हिस्सा भी बनेगा, फिर हम इसको ऐसे मिलाएंगे, वो मैं आपको फिगर में दिखाता हूँ। इन मरकज़ी लाइनों की लंबाई के बराबर दो बड़ी कोसे लगाएं, जहाँ पर आमने सामने वाली लाइनें किता करती हैं, इन नकात पर छोटी कोसे लगाकर आइसोमेट्रिक दायरा मुकम्मल करें। मतलब इस तरह से आपने 8 सेंटीमीटर की लाइन 30 के जाविये पे लगानी है, अंदाजन इधर से भी आपने 30 के जाविये पे लगानी है, इसी तरह से इधर इसको भी बनाकर आपने इस तरह से मुकम्मल कर लेना है। सही है, उसके बाद इसके सेंटर से आपने ये कॉर्नर पे मिलाना है, और इस कॉर्नर से इसके सेंटर में, इसी तरह इस कॉर्नर से इसका सेंटर, और इस सेंटर से ये कॉर्नर, ये इस तरह से बनेगा। उसके बाद आपने ये कोसे बनानी है, यहाँ से एक आपकी बड़ी कोस बनेगी, ये भी आपकी बड़ी कोस बनेगी, यहाँ से आपकी छोटी कोस बनेगी, दो छोटी कोसें बनेंगी, दो बड़ी कोसें बनेंगी, इस तरह से, और आपका एलिप्स तैयार हो जाएगा। सही है, इसी तरह से आपने एक एलिप्स इस तरह ये बनाना है आपका, यानी कि ये 3 और 3 6 सेंटीमीटर का है। ठीक है, छोटी और बड़ी दोनों बनानी है। तो ये मेथड क्या था,
दूसरा तरीका कार क्या बोला इसने कि 8 सेंटीमीटर बड़े कुतर और 6 सेंटीमीटर छोटे कुतर वाला बेजा बनाना है, मतलब ये दोनों ही बनाने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बड़े और छोटे कुतर की लंबाई के बराबर, ठीक है, दो हम मरकज लाइनें एक दूसरे के अमूदन लगाएं, यानी एक बड़ी लाइन होगी एक छोटी लाइन होगी, ये बड़ी लाइन है ये छोटी लाइन है, 8 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा दें अंदाजे से और एक 6 सेंटीमीटर की लगा के क्रॉस बनाएं, ठीक है। चार इधर है, चार इस तरफ है, 3 ऊपर की तरफ 3 नीचे की तरफ, और बाकी तरीकाकार बिल्कुल उसकी तरह ही है। इस तरह से आप वैसे तो आपका इजी हो जाएगा, ये पॉइंट से आपने ये कर्व बनानी है, इधर से आपने ये कर्व बनानी है, इधर से ये कर्व और ये कर्व, इस तरह आपका ये एलिप्स तैयार हो जाएगा। प्रैक्टिकल नंबर 4 आता है इसके अंदर, दस्ती ड्राइंग में मदज्जा ज़ैल अशकाल बनाएं 4 सेंटीमीटर। अब यह ना कि मैं अभी फ़िलहाल सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ये रीडिंग है, प्रैक्टिकल तो अभी इसका नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह अगर टाइम मिलेगा तो इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करते हुए हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह। दस्ती ड्राइंग में मदज्जा ज़ैल अशकाल बनाएं 4 सेंटीमीटर अतराफ वाले क्यूब यानी मकाब का आइसोमेट्रिक व्यू बनाएं, ठीक है। अब वो 4 सेंटीमीटर का एक क्यूब बनाना है हमने, 3 सेंटीमीटर लंबे सिलेंडर का आइसोमेट्रिक व्यू भी बनाना है। एक क्यूब है एक सिलेंडर है, ठीक है। अब प्रोसीजर्स ये है कि सबसे पहले आइसोमेट्रिक एक्सिस लगाएं, और ये अब अलग चीज़ आ गई ना, एक दूसरे के साथ यकसा जाविया 120 डिग्री का दर्जे का जाविया बनाएं। इसके बाद तीनों एक्सिस पर मकाब, अब ये देखते हैं ना यहाँ पर दस्ती ड्राइंग है इसलिए आपको स्केल वगैरह यूज़ नहीं करना, अभी भी सब मैनुअल वर्क है, तो यहाँ पर आ जाते हैं। ये तो एक्सिस है ना, ये आ गया, आपने 4 सेंटीमीटर इस तरफ लगानी है लाइन, 4 सेंटीमीटर इस तरफ लगानी है, और 4 सेंटीमीटर का अमूद उठाना है। इसी तरह से इसका भी अमूद उठाना है 4 सेंटीमीटर का, यहाँ से भी उठा लेना है। फिर इन पॉइंट्स को मिलाने के बाद ये भी 4 सेंटीमीटर की और ये भी 4 सेंटीमीटर की आपने लाइन लगानी है। इस तरह से दूसरा आपका जो वर्क आ जाएगा वो सिलेंडर का है। मैं तरीका आपको एक बार दिखा देता हूँ, आप इस तरीके को नोट पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये ए पॉइंट का तरीका है जैसे कि आपको बताया अभी, और बी पॉइंट का सबसे पहले आइसोमेट्रिक एक्सिस लगाने हैं, और बिल्कुल वही चीज़ ही होती है, 120 डिग्री का जाविया होता है, ठीक है। और तरीकाकार बिल्कुल वही है, और 120 मतलब वो दरमियान में एंगल आपका बनेगा, यानी कि ये वाला आपका एंगल हो जाएगा यानी कि 120 डिग्री, ठीक है। और ये वाला बल्कि सॉरी 60 का एंगल, ये 60 का, ये 120 हो गया, ये तो 120 नहीं है, ये ज़्यादा है। उसके बाद आपने ये वाली ड्राइंग में आ जाना है कि एक 6 सेंटीमीटर की, इस तरह से आपने 3 सेंटीमीटर, और फिर ये 3 सेंटीमीटर के आपने अमूद उठा लेने हैं, फिर ये 6 सेंटीमीटर की लाइन और 3 की, इस तरह से आपने ये भी मिलाते हुए डॉटेड जब बना लेंगे तो उसके बाद अब आपने ये आपका जो है ना सर्कल बनेगा, जैसे कि आप इसका इस सेंटर पर लगाएं निशान लगाएं, और इस कॉर्नर से एक मिनट रुकेगा दिखता हूँ, ठीक है, इससे ये सेंटर और ये इसके सेंटर में, ये इस तरह इस कॉर्नर में और ये इधर सेंटर में आ जाएगा, मतलब जो भी आप जैसे कि देख रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। ये पॉइंट होगा इसके सेंटर में और ये पॉइंट होगा इसके सेंटर में, उसके बाद ये पॉइंट होगा आपका इसके सेंटर में और ये सेंटर होगा, तो ये पॉइंट होगा, और फिर आपने यहाँ पर एलिप्स बनाना है सर्कल की तरह, ये चीज़ बना लेंगे जब, फिर जो जिस पॉइंट पे आएंगे वहीं से आपने सीधी लाइन लगानी है, ठीक है। इधर से भी जैसे ऊपर से आपने सीधी लाइन लगाई है वैसे ही आपने ये नीचे से भी यहाँ पे सीधी लाइन लगा के फिर इसको भी आपने ऐसे कवर मिला देना है, तो ये आपका सिलेंडर भी जो है वो तैयार हो जाएगा। और ये फ्री हैंड स्केचिंग है बेसिकली, यहाँ पर जो जाविये भी बताए गए हैं वो भी अप्रोक्सीमेटली जाविये हैं, मतलब ये 100% क्लियर शॉट नहीं होगा कि बिल्कुल ठीक बनेंगे, लेकिन आपने इसको बनाने की कोशिश करनी है, और जितना आप मतलब बेहतर बना सकें कोशिश कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको नई वीडियोस नई अपडेट्स जो हैं वो बरवक्त और बआसानी मिलती रहें। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।